नमस्कार, मेरा नाम बर्टिना बेल हूँ। मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के अमर रचनाकार है। उनकी प्रत्येक रचना जनजीवन के आईना है। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां और 16 उपन्यास लिखे हैं। गोदान उनके अमूल्य रचना है। यह कहानी उस समय थी जो जब भारत स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। जमींदारों द्वारा करी किसानों की शोषण और किसानों की दैनिक जीवन यात्रा का वार इस कहानी में मिलता है। इसमें एक ग्रामीण तथा शहरी कथा सा चलती है। इस कहानी में होली और धनिया नामक गरीब कृषक दंपति अपने 3 बच्चों के साथ 5 बीघा जमीन से बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा करता था। होली एक गरीब किसान थे जो नीति के विरुद्ध जनपाप बनते थे। अपने होने वाला अन्याय को भी अपने नीति समझा रहता था। होली जमींदार राज साहब का चपलूसी करने के कारण गाबर में सम्मान रहता था। धनिया होली की पत्नी है जो 21वीं सदी के आवास, उसे तो जमींदार का चपलूसी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। होली के बेटा गोबर भी राज साहब का चपलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार दिन ग्रामीणों की तरह होली भी एक गाय को खरीदना चाहता था, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसे खरीद नहीं सकता था। होली अपना दोस्त बोला से एक गाय को उधर से काट लेता है। इससे उनका जीवन का मोड पूरी तरह बदल जाता है। होली की गाय को देखने पूरे गांव वाले उनके घर में आए। केवल उनका भाई उनका अलावा होली की गाय होली के भाई भी हीरा उनसे अधिक जलता था। वह होली को गाय को विष देकर मार डरता है। यह दुष्कर्म होली अपने आंखों से देखता है, फिर भी परिवार के लिए चुप रहता है। यही बात अपनी पत्नी धनिया से अनजाने कहते हैं। धनिया गुस्से से उस पर गोतिया का आरोप लगाता है। पुलिस आता है, हीरा गाँव से भाग जाता है। विशाल हृदय वाला होली अपने भाई हीरा का पत्नी को संरक्षित करता है। इसी बीच होली का बेटा गोबर और बोला का बेटी के बीच प्रेम संबंध बढ़ता है। परिणाम यह हुआ 5 मास गर्भवती होली को छोड़कर गोबर शहर चला जाता है। होली उसकी भी संरक्षित करता है। यही से होली का जीवन अधिक दयनीय होता है। इससे होली गाँव वाला पंचायतों और बोले के कृण पात्र बन जाता है। पंचायतों उस पर दंड भुगताई उसे अपने सब कुछ नष्ट होता है, फिर भी वह अपना जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए परेशान करता रहता है। होली की कहानी के साथ बहुत सारी कहानियां इसमें जुड़ी है। इस कहानी के द्वारा समाज की कई कुरीतियों और समाज के बड़े लोगों द्वारा किसानों पर किए जाने वाला अत्याचारों पर प्रकाश डाला है। माता दिन और सालियां आदि पत्रों की जातिवाद और अंतर जाति विवाह के विषय पर प्रकाश डाला है। गोवधी गन्ना मेहता मालदी के आदि पत्रों की द्वारा शहरी सभ्यता और प्रेम के अर्थ भी समझाता है। आज भी इस समाज में किसानों की बुरी अवस्था है। मेहनत किसानों की है, पर लाभ ठेकेदारों की होता है। भारत की संस्कृति कृषक की संस्कृति है। जो भारत को प्यार करता है वह गोदान फट भी न रह सकता। धन्यवाद।